5000 में बताओ हम कहाँ कर भाई, पेट पर दर्द जाऊ के अभी साजी के दे भाई साहेब। देखा तो दाढ़ी तक नहीं बनवाई पाव साहेब, फटाहा से ढा सब ला दे पा दे। ये बहुत सारे ड्राइवर लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, सुन पा रहे हैं किस तरह से लोग बात जो है शांत हो जाइए, आप बात में नहीं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम यही जानना चाहते हैं जो सिस्टम था वही सिस्टम होना चाहिए, बस हो गया। हमारे के चलते साहब हमारे बर्दाश्त के बाहर बैठे था कहीं पाओ भी अब हमारे। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में, आइए। क्या नाम हुआ चाचा? अनिल। हाँ अनिल कुमार साहब ड्राइवर हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घर और क्या। एक ये भाई साहब है ये गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, ये भी जो है अपना झोला वोला ले करके और गाड़ी खड़ी करके और निरंतर जो है अपने घर की ओर जाने के लिए ये बात है। घर जा रहे हैं आप? हाँ भैया। क्यों गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है? इसलिए कि भैया जो अमित शाह जी निकाले हैं। हाँ। तो हमारा कहना यह है कि इससे हमको बहुत परेशानी है, अब फिर हम गरीब आदमी है कहाँ दे पाएंगे। ये आप भी चल दिए क्या? जी हाँ हम घर जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर 10 लाख रुपये मेरे पास है नहीं है। हाँ। ना मैं 10 लाख दे सकता हूँ। हाँ। ना मेरे पास है, मेरा इतना सिस्टम नहीं है कि 10 लाख मैं दे सकूँ, और 10 साल मैं जेल भी नहीं काट पाऊँगा। मेरे घर में मैं बहुत गरीब घर से हूँ, परिवार है मेरा गरीब, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। जो अभी हाल ही में नया कानून गृह मंत्री अमित शाह ने पास करवाया आप लोगों के लिए, बहुत ही ड्राइवरों के लिए विरोध है, विरुद्ध है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? बस ये कानून हटे, जो था वही रहे। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। दोस्तों बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ट्रांसपोर्ट कानून में नया परिवर्तन किया तब से ट्रक चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं जो ट्रक चालक है वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं और अपने अपने वाहन को एक जगह यथास्थान खड़ा करके और घर जाने के लिए मजबूर हैं। अच्छा मैं देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक चालक हमारे साथ, और इधर इधर आप देख पाएंगे, ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से जो है जो ट्रक चालक है। कहाँ चाचा क्या हुआ? अरे भैया कहाँ बताई, अमित शाह जी जौन बाटे सिस्टम जौन लगाई दिए हैं, ये मनमा अपन लड़का जी आओ कि अमित शाह जी के दे भाई, हम का करी साहब, हम ड्राइवरी छोड़ के हम चलते चले अपने घरे द्वारे, ना ही बटे पौआ फरुआ मजदूरी कही के हम अपन पेट पर दम चला लेबे साहब। ये बोरिया बिस्तर आपका बन गया है? अरे साहेब बन गया बटे हमारे के चलते साहेब, हमारे बर्दाश्त के बाहर बटे ना कही पाओ भी अब हमारे। 5000 में बताओ हम कहाँ कर भाई, पेट पर दर्द जाऊ के अभी साजी के दे भाई साहेब। देखा तो दाढ़ी तक नहीं बनवाई पाव साहेब, फटाहा से ढा सब ला दे पा दे। ये बहुत सारे ड्राइवर लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, सुन पा रहे हैं किस तरह से लोग बात जो है शांत हो जाइए, आप बात में नहीं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम यही जानना चाहते हैं जो सिस्टम था वही सिस्टम होना चाहिए, बस हो गया। कानून वापस लिया जाए, कानून वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया गया तो? नहीं लिया जाएगा तो फांसी लगा के मर जाएंगे, 24 वाले में उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना हमारे है कितना नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं निरंतर जो ट्रक चालक है वो कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए मजबूर हैं और धरना देने के लिए बाद है। उनका सीधे तौर पर कहना ये है कि अगर अमित शाह के द्वारा लाया गया ये नया कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसी तरह अनवरत हम लोग धरना देते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये है वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी यानी भारत पेट्रोलियम, जिसको इनके संबंधित जो ड्राइवर हैं वो बंद करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सब लोग इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिया गया फैसला एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ड्राइवर थे उनके कहने के मुताबिक उनके लिए काला कानून के बराबर है। यह आप देख सकते हैं सिलेंडरों से लदी जो गाड़ियाँ हैं कुछ इस तरह से रोड के किनारे खड़ी करके ड्राइवर निरंतर धरने पर लगे हुए हैं। यह आप देख सकते हैं पलायन करने के लिए मजबूर हैं ड्राइवर्स। इधर आप देख पाएंगे एक ये भाई साहब हैं ये गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, ये भी जो है अपना झोला वोला ले करके और गाड़ी खड़ी करके और निरंतर जो है अपने घर की ओर जाने के लिए ये बाध्य हैं। घर जा रहे हैं आप? हाँ भैया। क्यों गाड़ी क्यों खड़ी कर दिए? इसलिए कि भैया जो अमित शाह जी निकाले हैं। हाँ। तो हमारा कहना यह है कि इससे हमको बहुत परेशानी है, अब फिर हम गरीब आदमी है कहाँ दे पाएंगे।
तो झोला वोला लेके भाग लिए? क्या करें, अभी भागना पड़ेगा, फकीर आदमी हम तो झोला उठाए चल दिए। मोदी जी कहते थे ना कि हमारा से ज्यादा क्या कर लोगे भाई, तो वही हमारा भी कहना है, नहीं चलाएंगे तो क्या जबरदस्ती करोगे, नहीं चलाना है नहीं चलाएंगे। या तो अपना की गाड़ी चलाते? हाँ सर, ये गाड़ी नंबर है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। हाँ हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो कहीं ना कहीं अब छोड़ के आप जा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में, आइए। क्या नाम हुआ चाचा? अनिल। हाँ अनिल कुमार साहब, ड्राइवर हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घर, और क्या, घर जा रहे हैं। हाँ। काहे? अरे अब क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे यहाँ, क्यों? अरे जा रहे हैं घर, अब 10 लाख तो क्या? अरे इसका 10 लाख के जो 10 साल सजा। हाँ 10 साल की सजा साहब। तो आपसे गाड़ियाँ बंद? बंद साहब, पूरी तरह से धरना। हाँ धरना है ही है, कोई हम अकेले थोरो कर रहे हैं। हाँ और ड्राइवर तो हैं। अरे इसीलिए आज ये झोरा झंडी ये आप देख सकते हैं, आइए मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, ये आप देख पाएंगे इनके झोले में। दोस्तों ड्राइवर का जीवन कैसे होता है ये आप देख लीजिए, प्याज है, मटर है, और ये इनके जो सर सामान है, कैमरा मैन से थोड़ा सा दिखाएं, ये जो है अपना झोला बिस्तर, यानी कि जिंदगी हम लोग भरे और लेके चल दिए। कहीं ना कहीं देश में अब आक्रोश देखने को मिला। अरे ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम समीम है। ये आप भी चल दिए क्या? जी हाँ, हम घर जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर 10 लाख रुपये मेरे पास है नहीं है। हाँ। ना मैं 10 लाख दे सकता हूँ। हाँ। ना मेरे पास है, मेरा इतना सिस्टम नहीं है कि 10 लाख मैं दे सकूँ, और 10 साल मैं जेल भी नहीं काट पाऊँगा। मेरे घर में, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, परिवार है मेरा गरीब, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा गाड़ी। सब बंद आज से? बंद आज से, आज से बंद, और बंद रहेगा, और लहसुन भी चीर के फेंक देंगे हम। हाँ। लहसुन भी चीर के फेंक देंगे, ऐसे आंदोलन के साथ हमेशा रहेंगे, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे गाड़ी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है ड्राइवर का जीवन, आप देख लीजिए, ये इन्होंने जो है अपने झोले में भरे कपड़े और लेकर चल दिए घर। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का कानून इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा कर रखा है। जितने भी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर है वो अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़कर और चाबी फेंक कर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए हैं। तो अब दोबारा नहीं बैठेंगे? नहीं सर, नहीं बैठेंगे। कब आएंगे अगर दोबारा चलाना? सर ये कानून अगर पीछे ले लिया जाएगा तब तो मैं चलाऊंगा, अन्यथा मैं ड्राइवर अपना ड्राइवरी सीट हटा दिया हूँ, गाड़ी को हटा दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ, और लाइसेंस को भी चीर के फेंक दूंगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। इस कानून को अमित शाह जी से कहना चाहते हैं, अमित शाह जी इस कानून को वापस लीजिए तो वापस लीजिए। आज से पूरी तरह से बंद? आज से पूरी तरह से बंद? अभी कहते हैं कि योगी जी से कि ये फैसले पे विचार करे, फिर उसका कोई हल निकाले, नहीं तो इससे फिर जो चुनाव आने वाला है 24 का, उनका हो सकता है कि बहुत बड़ा खतरा हो। तो ये आप देख सकते हैं ड्राइवर कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और सब ड्राइवर जो है अपनी गाड़ियों को छोड़कर अब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। एक ये भी ड्राइवर हमारे साथ, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम मोहन श्रीवास्तव है। कहाँ के रहने वाले? यही झमकी स्टेशन के पास ददरी गाँव है। ये बताइए अभी जो नया कानून बनाया गया है ड्राइवरों को लेकर, तो उससे कितना खुश हैं आप? बिल्कुल ना खुश, ना खुश हैं, बिल्कुल ना पसंद है ये कानून। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बेकार है ये। बेकार कैसे है? बेकार ये है कि अब जो गाड़ी हम लोगों की अगर चलती है तो मान लीजिए मोटरसाइकिल वाला भी हवा लग जाती है तो वो भी गाली देता है। हाँ। वो भी मारने को दौड़ता है। हाँ। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ कहते हो कि हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाने में उठाने में पब्लिक तोड़ देगी, हमको हमारी गाड़ी भी फूंक देगी, हमको भी मारेगी। ये कानून ठीक नहीं है? बिल्कुल 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 दो कौड़ी का कानून है, कोई का कानून नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह? गृह मंत्री जी से केवल इतना आग्रह है कि जिस तरह चल रहा था यथा उचित। हाँ। कार्रवाई जिस तरह हो रही थी उसी तरह ठीक था, या इसके लिए ड्राइवरों के लिए जो है कोई अच्छा कानून, नया नाम नियम लेके आए। अगर नहीं आपकी मांगे पूरी हुई तो? नहीं मांगे पूरी है तो गाड़ी नहीं चलाते हैं भाई, क्या करेंगे? हड़ताल कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरी तरह से बंद, पूरी तरह बंद करेंगे। तो आप सुन पा रहे हैं निरंतर जो ट्रक चालक है, ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स हैं उनमें किस तरह से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आप बने हमारे साथ खबरों में, आओ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ड्राइवरों के ऊपर नया कानून पारित किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे का इसका वापस कराएं, ये कौन भर्ती करेगा? मोबाइल अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं अच्छा है। क्या कमी है इसमें? अरे पूरी कमी है तो है, कौन भरेगा ड्राइवर 10 लाख? कौन भरेगा 10 लाख? ड्राइवर अपनी जान गंवाएगा? अरे तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो 5-6 साल की सजा है। अच्छा
और बढ़ा दें। चलिए ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये जो है वाहन चालक हैं, एक ये हैं, इनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर। रविशंकर जी, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं आप? ये चला रहे हैं हाइवा। ये बताइए, जो अभी हाल ही में नया कानून गृह मंत्री अमित शाह ने पास करवाया आप लोगों के लिए, बहुत ही ड्राइवरों के लिए विरोध है, विरुद्ध है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? बस ये कानून हटे, जो था वही रहे। ये कानून ठीक नहीं है, बिल्कुल बेकार है, ये अपनी वैल्यू भी खराब कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। अगर वापस नहीं लिए तो क्या करेंगे आप? नहीं सर, ये अगर ड्राइवर अगर गरीब आदमी गाड़ी चला रहा है और उससे अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो क्या करेगा, कहाँ से ला कर देगा इतना? तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे तो उसमें आपको छूट मिलेगी, 5 साल की सजा होगी। तो 5 साल, 5 साल में क्या से क्या बिगड़ जाता है ये उनको नहीं पता है? और 5 साल में उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर कानून वापस नहीं लिए तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? हड़ताल कर देंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, रोड जाम कर देंगे। तो आप सुन पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं उनका जो कहना है वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में सुन पा रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता में संशोधन किया है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट कानून के तहत भी उन्होंने संशोधन करवाया है, तो आप देख सकते हैं जब से ट्रांसपोर्ट कानून में उन्होंने संशोधन करवाया है तब से भारत के तमाम अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से जो ड्राइवर हैं, यानी कि जो ट्रक चालक है उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो यह आप देख सकते हैं, बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करवाया है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट को लेकर उन्होंने कानून संशोधन करवाया है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में मांग की गई थी कि अगर कोई भी ट्रक चालक सड़क में चलता है और अगर वह किसी का हादसा करता है, यानी कि किसी का एक्सीडेंट अगर होता है और ट्रक चालक अगर मौके पर छोड़कर उस घायल व्यक्ति को भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना, वहीं पर अगर वही ट्रक चालक अगर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसको 5 साल की सज़ा का प्रावधान उन्होंने संसद में पास करवाया। तब से बता दें कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो ट्रक चालक हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह आप देख सकते हैं, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून को पास करवाया है तब से ट्रक चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जितने भी ट्रक चालक हैं वो कुछ इस तरह से अपने अपने वाहनों को खड़ा करके और स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, यानी कि धरने पर बैठ गए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भारत पेट्रोलियम की गाड़ियां हैं और अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो ड्राइवर हैं वो कुछ इस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कतारबद्ध से पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सब लोगों ने कुछ इस तरह से स्ट्राइक कर दिया। ये आप देख सकते हैं, पूरी गाड़ियाँ कुछ इस तरह से खड़ी हैं, आप तस्वीरों में देख पाएंगे। बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रांसपोर्ट के नियम में परिवर्तन किए हैं तब से जितने भी ट्रक चालक हैं उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कतारबद्ध पूरी की पूरी गाड़ियां खड़ी हैं, यह आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। यानी कि स्ट्राइक पर इस समय जो ट्रक चालक हैं वो बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने कार बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इधर भी देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहां पर खड़ी हुई हैं, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आगे भी बढ़ के हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे, यानी कि जहां तक जाएंगे आपको जो है सिर्फ ट्रक ही ट्रक नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें इधर से दिखा दें आपको, ये आप देख पाएंगे इधर किस तरह से ट्रक चालकों का भारी आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाए गए नए कानून को लेकर ट्रक चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं पर पूरे भारत में अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में ट्रक चालकों के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इंकलाब, 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 इंकलाब,
इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद बराबर एकता जिंदाबाद बराबर एकता जिंदाबाद काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो।